मथुरा से है। बिल्डोजर के प्रतीकात्मक चित्र को लेकर कॉरिडोर का अनोखा विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर लगातार आठवें दिन भी विरोध जारी रखा। स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों एवं गोस्वामी जनों का मन कॉरिडोर को लेकर काफी विचलित है। उनका कहना है कि अगर कॉरिडोर बना तो उनकी रोजी रोटी एवं परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एवं वृंदावन की कुछ गलियों के साथ साथ कॉरिडोर बनने से वृंदावन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्थानीय दुकानदारों एवं व्यापारियों को यह डर भी है कि कॉरिडोर के चौड़ीकरण दुकानों एवं व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसी क्रम में कॉरिडोर निर्माण को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां स्थानीय व्यापारी एवं दुकानदार द्वारा बुलडोजर के फ्लैक्स को हाथ में लेकर वृंदावन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोगों के जो विरोध का आज जो है नौवां दिन है, उसी में पहले हमने जो है अधिकारियों की बुद्धि प्रति के लिए हवन यज्ञ किया था। आज हमने बुलडोजर का एक थोड़ा सा फोटो लेकर, बुलडोजर का बैनर लेकर हम लोग अधिकारियों को ये दर्शाना चाहते हैं कि वृंदावन में हमें जो हमारी धरोहर है, पुण्य गलियाँ हैं, वही रहने दी जाए। यहाँ पर किसी भी तरह का बुलडोजर का कोई कार्य नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में केवल व्यवस्था बनाने की जरूरत है। कॉरिडोर का यहाँ पर जो है बांके बिहारी क्षेत्र में क्या है, पूरे बिरचौरा जी को उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा हमारे जो है अधिकारियों से हमारा कहना है कि यहाँ से कॉरिडोर को बिरचौरा जी को उससे कहीं हो जाएगा। सरकार हमसे मुआवजे की बात कर रही है। मुआवजा घर मकान का हो सकता है, मंदिरों का थोड़ी ना। ये तो हमारे घर मकान थोड़ी है, ये तो मंदिर हैं हमारे। तो मुआवजा भावनाओं का नहीं हो सकता। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से मेरा जो है पूरा पूरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे हमारे बड़े 84 कोस में कॉरिडोर रूपी जो राक्षस को जन्म दिया, उसको यहाँ से कहीं और ले जाएं। हमें यहाँ वृंदावन में कॉरिडोर नहीं चाहिए, केवल यहाँ व्यवस्था चाहिए बांके बिहारी में। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मृत अवस्था में मिला पिता का शव, परिवार में खलबली। ठेकेदार पर लगाया संगीन आरोप। आपको बता दें, थाना मझोला क्षेत्र के रहने वाले विनोद कुमार ने संजीव नामक ठेकेदार पर कई संगीन आरोप लगाए। विनोद का कहना है कि लगभग 12 तारीख को समय करीब 9 बजे घर से अपने नव निर्माण मकान के लिए निकले थे। उनका कहना है कि मुरादाबाद में चल रहे निर्माण कार्य को देखने के लिए पिताजी गए थे। जब शाम तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने परिवार वालों से उनके मकान और संबंधित जगहों पर तलाश की, परंतु उनका पता नहीं चला। जिसके बाद 13 तारीख को समय करीब 12 बजे थाना कटघर की पुलिस द्वारा फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पिता मृत अवस्था में मिले हैं। श्री राम गंगा पुल के नीचे पीड़ित का कहना है कि जिस मकान पर निर्माण उनके पिताजी करा रहे थे, उस ठेकेदार के द्वारा उनका लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा। पीड़ित का यह भी कहना है कि पिता की जेब से एक सुसाइड नोट भी उन्हें मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगातार संजीव ठेकेदार परेशान कर रहा था और मुझ पर मकान न बनाने का दबाव बना रहा था। मेरे पति खाना खा कर गए थे यहाँ से सुबह के टाइम। खाना खाने के बाद अच्छे खासे गए, बच्चों से बोल चाल के गए, कोई चीज़ से कोई रंजस नहीं थी। खाना खाने को हमने बस सोचा प्लॉट पे गए, वो प्लॉट में नहीं पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँचे। हमने देखते देखते शाम हो गई। हमने 5 बजे से फिर सब फ़ोन करने लगे, सब रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों ने सब ने मना कर दिया। पूरी रात हमने इसी तरीके से बैठ के गुजारी। उसके बाद हमारे बच्चे सुबह को ढूंढने के लिए निकले, ढूंढने गए तो वहाँ कहीं पता नहीं चला। वहाँ पे क्या कहें, पुलिस वालों का फ़ोन एक लड़के के पास आया। उस लड़के ने करा हमारे लड़के के पास फ़ोन। उस लड़के ने वहाँ पर बोला कि तुम्हारे पापा वहाँ बैठे हुए हैं। कौन तारीख की घटना है, क्या तारीख थी, क्या दिन था? 12 तारीख थी और शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन था। हाँ, किस समय फोन आया था? फोन आया 11 बजे फोन पे। लड़का वहीं पे गए, लड़के के जाके देखा लड़कों ने तो वहाँ पापा इनके पड़े हुए थे। अब वहाँ पे ये पता नहीं चला किस तरीके से कैसे पहुँचे, कौन लेके गया उनको। जब खुद पहुँचे, किसी से कोई रंजिश चल रही थी? कुछ रंजिश नहीं थी, कोई भी किसी से कोई कलेश नहीं था, बस एक ठेकेदार से कलेश चल गया था। कौन ठेकेदार था ये? संदीप ठेकेदार है ये। इससे बस इसी से टेंशन थी और किसी से टेंशन। घर पर संदीप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं ये, क्या कहें उसमें,
काशीराम में, काशीराम में रहता है वो, रहने वाला कहीं गांव का है वैसे, किराए पे काशीराम में रहता है जी। मतलब ये है सर, पापा 12 तारीख में मिसिंग हुए थे, हमने पूरे दिन और रात तलाश किया उन्हें, लेकिन हमें पता नहीं चला कहाँ गए वो। तो हमने सुबह 10 बजे थाने में तहरीर देने के लिए हम मंजुला थाने गए, तो उसी समय कुछ देर बाद 11:15 बजे खड़गा थाने से मेरे एक दोस्त के मोबाइल पर फ़ोन आता है कि प्यारे लाल जी आपके कौन है, तो उन्होंने कहा वो मेरे मामा है, तो बोले आप फौरन गुलाबबाड़ी फाटक आ जाइए। तो उन्होंने, हम दोनों जने दोस्त गुलाबबाड़ी फाटक पहुँच गए, जहाँ हमें पता चला कि उन्होंने कहा आप गुलाबबाड़ी फाटक से थोड़ा आगे आ जाइए राम गंगा के पुल के नीचे। तो हमने वहाँ देखा तो हमारे पापा मृत पड़े हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे गिरे या किसी ने गिराया या क्या हुआ। उनकी जेब से जो नोट्स मिले हैं लिखे हुए, वो पुलिस ने हमें सही से दिखाई नहीं क्या है। और किस तरीके का नोट है, क्या मानते हैं, मतलब कैसे घटना हुई है पूरी? घटना ये है, वो जो ठेकेदार था पापा थोड़े उससे नाराज चल रहे थे, उसको काम को लेकर परेशान थे, बोले कहते थे ये ठेकेदार MDA वालों से मिला हुआ है और ये अपने मकान पर सील करा देगा, बेटे इसे काम को बंद करा दो नहीं तो ये ठेकेदार हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन कई दफ़ा मैंने उस ठेकेदार से कहा, मैंने भैया ठेक काम बंद कर दो, मेरे पापा काम कराने के इच्छुक नहीं है, तो वो ठेकेदार उल्टी सीधी बातें करने लगा, बोला मेरा इतनी तरीके से मेरे इतने पैसे निकल रहे हैं आपके, तो मेरे पैसे दे दो। तो मैंने उससे कहा आप अपने पैसे लो और जाइए, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। कितने पैसे ले चुका ठेकेदार? ठेकेदार 4 लाख रुपये ले चुका वो जी। काम कितना करके दिया? काम अभी आधा हुआ है। तो एक पर्चा आप दिखा रहे थे जेब में, क्या है पर्चे का मतलब? अभी जेब में निकला है पापा के जेब में जो पर्चा निकला है, पापा थोड़े घबराए हुए थे उससे, जो कहते थे तो बेटा पैसा बहुत फालतू लिया है इसने और ये काम भी इतना कर नहीं रहा है और ये बेटा MDA वालों को बुलाकर बेटा सब बर्बाद कर देगा। पेपर जो निकला है ये पापा की जेब से, इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है? इसमें ठेकेदार के खिलाफ लिखा हुआ है सब, वो धमकी देता था, कहता भैया मकान आपका नहीं मेरा बन रहा है। आपने शिकायत वगैरह दी इस मामले में पुलिस को? शिकायत नहीं दी पाई क्योंकि थोड़ा हमारी मम्मी मना करती थी, बेटा रहने तो कोई बात नहीं है ऐसा इस तरीके से, तो हमने कुछ नहीं कहा। मम्मी हमारी थोड़ी कमज़ोर दिल की हैं, बोला पापा भी हमारे थोड़े ऐसे थे। शिकायत की आपने थाने में? जी शिकायत की है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है वहाँ से थाने से। क्या नाम है ठेकेदार का? संजीव कुमार। कहाँ रहते हैं ये? इसी समय सिरकोई में रहता है, काशीराम योजना के पास। मुरादाबाद से रहनंद सारिक, रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है, पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान चली गोली, गोली लगने से बदमाश दानवीर उर्फ दानी हुआ घायल, घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश दानी को किया गिरफ्तार। गांव कामर का रहने वाले बदमाश दानी उर्फ दानवीर पर दर्ज है एक दर्जन संगीन मुकदमे, पुलिस ने घायल को किया अस्पताल में भर्ती। आज कोसी कला थाना क्षेत्र में कोटवन चौकी के पास एक शातिर अपराधी दानी उर्फ दानवीर के आने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो पुलिस टीम को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो कि उस अपराधी के पैर में लगी है। पूछताछ में उस अपराधी का नाम दानी उर्फ दानवीर पता चला है जो कि कामर गाँव का रहने वाला है, इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं तथा इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें मुरादाबाद के फव्वारा चौराहे सहित भिन्न चौराहों पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ी पर लगे अवैध हूटर नंबर प्लेट, सीट बेल्ट, हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग अन्य बिंदुओं पर वाहनों की चेकिंग की गई। तो वहीं कई वाहनों पर यातायात अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी अमल में लाई गई। इस संदर्भ में जब यातायात अधिकारी से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर वाहन चेकिंग अभियान के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा,
सुनिए। ये फवारा चौराहे पे ही नहीं, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर के विभिन्न चौराहों पर स्कूटर, सायरन और तीन सवारी और नो पार्किंग का अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नहीं, हुटर उतरवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे एम्बुलेंस जा रही है जो सरकारी और उस तरह की इमरजेंसी सेवाएं हैं वो उनको छूट दी जा रही है, बाकी का हुटर उतरवाए जा रहे हैं। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। सेना में तैनात सूबेदार के घर चोरी, मचा हड़कंप। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना, 1 लाख की नकदी, कई लाख के जेवरात चोरी। आपको बता दें, शिकोहाबाद के मेला बाले बाग में सेना में तैनात सूबेदार कुलवेंद सिंह यादव पुत्र कालीचरण रहते हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली। सूबेदार की पत्नी विनय देवी ने बताया कि 1 लाख नकद, 10 से 15 लाख के जेवरात चोरी हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मेरे घर में रात को मैं तो लॉक वॉक बंद करके सोई हूँ, सुबह उठी हूँ तो जेवर है और पूरा पैसा है मेरा। कितना रुपया नकदी था? नकदी में था 1 लाख रुपए मेरा। और जेवर कितने का होगा? जेवर भी मेरा कम से कम 10-15 लाख का है जेवर। तो सारा सामान ले गए? हाँ, पूरा सामान ले गए। पुलिस को आपने सूचना दी? बिल्कुल दी है, 6 बजे दी है पुलिस को। आपके पति क्या करते हैं? आर्मी में जी। कहाँ पर है? पंजाब में। पुलिस आई कोई कार्रवाई की? हाँ, पुलिस आई है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा लगातार कराए जा रहे गांव के विकास कार्य, ग्रामीण दिल से जता रहे आभार। आपको बता दें, मुरादाबाद के मुड़ा पाड़े के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगरमपुरा और गदई खेड़ा में पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की सांसद स्थानीय विकास निधि से होने वाले कार्यों का निरीक्षण भाजपा नेता अभिषेक सिंह निशु द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है, स्थानीय भाजपा नेता अभिषेक सिंह के द्वारा सांसद राज्यसभा से क्षेत्र विकास को लेकर प्रमुख मांगे की गई थी, जिनका संज्ञान लेते हुए राज्यसभा सांसद ने जिला प्रशासन को उनकी सांसद निधि से कार्य करने के लिए निर्देशित किया था। बाड़मेर क्षेत्र के दूरस्थ गांव होने के कारण विकास अभी कोसों दूर था, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक विकास का दबाव करने वाली सरकार के जनप्रतिनिधि के कारण गदई खेड़ा में सीसी रोड और नाली निर्माण शुरू हुआ। विकास कार्यों से क्षेत्रवासियों में भारी खुशी की लहर है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके स्थानीय नेता के कारण क्षेत्र के विकास की आवाज दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से सीधा विकास उनके यहां हो रहा। साथ ही क्षेत्रवासियों ने सांसद जफर इस्लाम का आभार भी व्यक्त किया। भैया, ये ग्राम गद्दी खड़ा है हमारा और इसमें लगभग ये 300 मीटर से ज़्यादा सड़क निर्माण चल रहा है। दोनों तरफ नालियाँ चल रही, बन रही हैं नई, ताकि हमारी जो सड़क है वो पानी से ख़राब ना हो। और ये जो है हमारे आदरणीय अभिषेक सिंह निशु भाई जी, इनके द्वारा। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। आज कॉरिडोर विरोध का लगातार 10वां दिन आज ब्रजवासियों द्वारा सिर पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया गया। शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। एक सुर में सभी ब्रजवासियों की एक ही मांग है, कॉरिडोर किसी भी सूरत में नहीं बनाना चाहिए। आज काली पट्टी बांध कर सैकड़ों ब्रजवासियों ने पैदल मार्च करते हुए बाहर भ्रमण किया एवं उसके बाद बांके बिहारी मंदिर चबूतरे पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ब्रजवासियों ने बताया कि जब तक सरकार अपने कॉरिडोर के फैसले को नहीं बदलती और उच्च न्यायालय से जब तक हमें राहत नहीं मिलती, तब तक हमारा ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने सभी आंदोलन कर रहे व्यापारी, गोस्वामीगण, ब्रजवासी एवं अन्य सभी लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात की है और सबको समझाया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और जिसको नुकसान होगा सरकार उसको उचित मुआवजा देगी, साथ ही दुकान के बदले दुकान देने का प्रावधान भी है। गलियों को मिटाने वाले अधिकारियों का नासो, नासो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बिहारी जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बिहारी जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बिहारी जी रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, बिहारी जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा।
हमारा एक ब्रजवासी समूह है जिसमें व्यापारी भी थे, गोस्वामी भी थे और इसमें हम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं नगरायुक्त महोदय, हम सभी लोगों के समक्ष में एक मीटिंग हुई सभागार में, कलेक्टर सभागार में, जिसमें कि हमने कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध किया और जो भी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि हम लोग किसी चीज़ से संतुष्ट हुए या फिर हम कॉरिडोर के पक्ष में हैं, तो यह मैं स्पष्ट कर दूं, यह ब्रजवासी किसी भी कीमत में कॉरिडोर के पक्ष में ना आज है, ना कल है, ना आगे रहेगा। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। आप किसी भी सभा के माध्यम से अगर आप यह निकालते हैं कि व्यापारी आपकी बातों से संतुष्ट है, संतुष्ट आपकी और हमारी पर्सनल बातों से हो सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक कोई बात आती है, जब कॉरिडोर की बात आती है, जब कुंज गलियों की, जब वृंदावन के स्वरूप की बात आती है, तो इसमें हमारा कोई भी ब्रजवासी या फिर कोई भी समाज इसमें संतुष्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। बस यात्रियों का मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक चोर को भीड़ ने घेराबंदी कर दबोचा। जमकर धुनाई की बाद में कुछ युवकों के समझाने पर भीड़ ने चोरों को सुभाष चौराहे पर तैनात पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने चोर के पास चोरी किया गया एक मोबाइल बरामद कर लिया। बाद में थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और चोर को पकड़ थाने ले आई। आपको बता दें, यह घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के सुभाष चौराहे की है, जहां आज बरेली जाने वाले दर्जनों यात्री बस में चढ़े रहे थे। उसी दौरान वहीं मौजूद एक युवक ने दो यात्रियों की जेब से मोबाइल चोरी कर लिया और भागने का प्रयास किया। मोबाइल चोरी की जानकारी होते ही यात्रियों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े और मोबाइल चोरी कर भाग रहे चोर को दबोच लिया, जमकर धुनाई की। बाद में लोगों ने सुभाष चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को सौंप दिया। घटना की जानकारी लगते ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। वहीं पुलिस ने चोर के पास से यात्री का एक मोबाइल बरामद कर लिया। बाद में थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और चोर को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई, जहां पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर से पूछताछ जारी है। 8 लोग आए थे, हम बरेली से आए थे और टूंडला सब के साथ में आए थे। वापसी में बस में चढ़ते समय इन लोगों ने मोबाइल निकाला और दो मोबाइल निकाले और दो भैया तो हमारे साथ चले गए थे और एक भैया को मोबाइल फेंक के भाग गया और इन्होंने घटना पे से पकड़ लिया था। तो ये पीछे से इन्होंने जेब में हाथ डाला, दो फोन ले गया, निकाल के एक फोन फेंक दिया और एक फोन इसके साथ में है। अच्छा, फोन इसको पकड़ लिया या फोन दे नहीं लिया है, कह रहा मेरे पास फोन नहीं है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के बराव चौराहे पर आज सुबह दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक अनियंत्रित कंटेनर गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, बराव चौराहे पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक, जिस पर पत्थर लदा हुआ था, उसने एक साइकिल सवार को ठोकर मारी। उसके बाद सड़क के किनारे अलाव ताप रहे लोगों को रौंद डाला और फिर तेज रफ्तार से एक सड़क के किनारे घर में घुस गया। इस घटना के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही जनपद के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया, जिसके बाद जेसीबी लगाकर काफी मशक्कत के बाद शव निकाला गया। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। देवरिया से ज्ञानराम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। हिंदू कॉलेज बुरखा मामले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने क्या कहा? आपको बता दें, हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी 2023 को ड्रेस कोड लागू किया गया था, उसके बाद ही महाविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के बुरखा पहनकर आने पर भी रोक लगा दी गई, जिसके बाद मुरादाबाद की राजनीति भी गर्मा गई और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों व सपा के मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, सुना है कि उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया, अभी तक वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। जब ड्रेस कोड लागू किया है तो हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि उसे फॉलो करना चाहिए, कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। बच्चियाँ बुरका पहन के घर से आएँ और उनका वहाँ पे एक चेंजिंग रूम हो जिसमें वो चेंज करके हिजाब पहन सकती हैं वो,
हिजाब पहन के अंदर चली जाए, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। अक्सर डिग्री कॉलेजों में लोग बच्चे ऐसे आते हैं, वहाँ पे कुछ ड्रेस कोड होता नहीं है, ज़्यादातर ये देखा गया है, तो ये अचानक एकदम कैसे फॉलो कराया जा रहा? अब ये तो उनके मैनेजमेंट के फैसले हैं, उन्होंने जब ये लागू करा है तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि साहब डिसिप्लिन के लिए करते हैं हम लोग, ये तो उनके फैसले। समाजवादी छात्र सभा का भी ये कहना है कि भाई इस तरीके से रोकथाम गेट के ऊपर नहीं करना चाहिए, भले ही अंदर जाके हो। यकीनी तौर पे बच्चों की बेइज्जती गेट पे नहीं करनी चाहिए कि बुरका उतारो, और ये बुरका एक धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीज़ है, उसको ठेस पहुँचती है तो आदमी अपने को बेइज्जत महसूस करता है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों से और स्कूल के स्टाफ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें और जो भी कानून जिस बात की इजाज़त दे उतना करें। नहीं, कोई हंगामे वाली बात नहीं है, ड्रेस कोड 15 अक्टूबर से हमारे महाविद्यालय में लागू है, जिसको हमने समय समय पर एडमिशन के दरमियान, सबसे पहले एडमिशन के दौरान, उसके पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो यूनिफॉर्म में आए, और अब महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है, जिससे कि महाविद्यालय में एक समता का भाव, छात्र छात्राओं में सारे वर्ग भेद को दूर करने का भाव रहता है, सम्भाव रहता है, अनुशासन परक शिक्षा के लिए वातावरण बनाने में सहूलियत होती है, और साथ ही साथ जो कतिपय अराजक तत्व हैं, जो महाविद्यालय में कभी कभी अराजकता का माहौल प्रदर्शित दिखाना चाहते हैं और महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं, उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। एक बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए सरलता से, सहजता से उनका आसानी से पहचान हो जाती है, और साथ ही साथ महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है जिससे, और सुरक्षा का माहौल बना रहता है जिससे छात्र छात्राओं को बेहद सुविधा होती है। इसके लिए यहाँ पर किया गया था कल कुछ छात्र छात्राओं द्वारा, और उसमें ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे, मैंने मौके पहुंचकर उनके आई कार्ड ही मांगे, और आई कार्ड मांगने पर उन्होंने बात को दूसरी तरफ भटकाना चाहा, जिससे कि मामला को मूल मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ चला जाए और उसे सियासी रंग देने का प्रयास किया जाए। देखिये, महाविद्यालय में केवल और केवल दो विचारधारा के लोग होते, एक शिक्षक है और छात्र है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा यहाँ पर विचारधारा नहीं होती। हमारा केवल उद्देश्य यही होता है, हिंदू कॉलेज में इसकी गरिमापूर्ण परिपाटी रही है कि यहाँ पर छात्र छात्रा अनुशासन परक, मूल्य परक शिक्षा लेकर जाए। हमें सभी वर्गों का, हमें सभी छात्र संगठनों का भारी समर्थन मिला है। अभी आप ग्राउंड पर छात्राएं बैठी हैं, आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर भी मसले की जो उन्होंने बात उठाई, उसके लिए हमने पहले से ही कॉलेज के गेट पे ही एक चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था करी हुई है। अगर कोई छात्र कोई छात्रा बुरके में आ रही है तो अपना बुरका वहां पर उतार के और महाविद्यालय में जाए, लेकिन उसे महाविद्यालय में जो भी छात्र छात्रा है, महाविद्यालय में प्रवेश उसे वांछित यूनिफॉर्म में ही मिलेगा। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यह निर्णय प्रत्येक शिक्षक का है, शिक्षणेतर कर्मचारी का है, प्रोक्टोरियल बोर्ड का है, स्टाफ काउंसिल का है, और मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और साथ ही साथ छात्र संगठनों के समर्थन और सहयोग ने भी, उन्होंने भी हमसे कहा, और जो कल प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठनों के जो प्रोदा थे वो भी, उनका भी हमें समर्थन मिला था, उन्होंने भी कहा था कि आप यूनिफॉर्म कोड लागू करिए। उनकी मांग ये है कि छात्राएं बुरके में क्लास में जाएं, जो कि अगर इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा आप मुझे बताइए, कोई हमने आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उनका मिलान कैसे होगा? हमारी तरफ से शुरुआत से ही, एडमिशन के समय से ही फॉर्म पे ही आचार संहिता बनाई गई है, और उस आचार संहिता के अनुरूप, और साथ साथ फ्लेक्सी लगाई गई है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सी लगाई है, आप उसका फोटो देख सकते हैं, न्यूज़पेपरों के माध्यम से समय समय पर बताया गया, तो ऐसा नहीं कि ये कोई आकस्मिक तौर पर लागू किया गया फैसला है, पिछले 4-5 महीने से इसकी पूरी तैयारी की गई है, पूरा होमवर्क किया गया है, छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभिभावक और समाज की हमें बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, वो इस बात को लेकर प्रसन्न है, अब वो पूरी तरह सुनिश्चित है, निश्चित है अपने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर, उन्हें मालूम है उनका जो वार्ड है, उनका जो बच्चा है वो महाविद्यालय पढ़ने जा रहा है, और महाविद्यालय में इससे अनुशासन बनाने में और अनुशासन परक शिक्षा व्यवस्था को चलाने में, पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायता मिल रही है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से, तमंचा लहराते हुए युवक की वीडियो हुई वायरल, सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का कर रहे प्रदर्शन, अलग अलग 3 वीडियो से अवैध तमंचा लहराते दिखाई दिए युवक, अवैध तमंचा लहरा रहे युवक को नहीं पुलिस का खौफ। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अवैध हथियारों के वीडियो थाना खैरगढ़ के गाँव
बब्बईन का बताया जा रहा युवक। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दिव्यांग व्यक्ति न्याय की गुहार लगाते हुए पहुंचा एसएसपी कार्यालय। गांव के ही दबंगों पर धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। आपको बता दें, मुरादाबाद की तहसील बिलारी अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर निवासी दिव्यांग व्यक्ति नेत्रपाल और मित्रपाल ने गांव के दबंग लोगों पर उसकी जमीन का धोखाधड़ी करके बेनामा कराए जाने पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर एक धोखाधड़ी करके फहीम पुत्र अलीम शाह आदि लोग उसकी जमीन खरीदने की बात कही कि जब इसने इन दबंग लोगों से जमीन का बैनामा कराने के एवज में 2 लाख की मांग करी तो उन्होंने तहसील से पैसे देने का वादा किया और अपनी गाड़ी से दिनांक 11 नवंबर 2022 को बैठाकर बिलारी तहसील के लिए रवाना हुए। नेत्रपाल का आरोप है कि दबंगों ने रास्ते में रुमाल निकाल कर उसके मुंह पर रख दिया जिससे वह अपनी चेतना खोने लगा और अपने होशो हवास में नहीं रहा। आरोप है कि यह सभी दबंग लोग उसे तहसील बिलारी ले गए और रजिस्ट्री कार्यालय में ले जाकर दस्तावेजों पर उसके अंगूठे लगवा लिए। अंदर दफ्तर में ले जाकर मशीन पर भी अचेत अवस्था में अंगूठा लगवाया। यह भी आरोप है, वह रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने गए लेकिन थाने पर उसकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में दबंगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। समस्या ये है, मुझसे जो है कुछ लोगों ने मिलकर के फर्जी बैनामा करा लिया है मेरी जमीन में से और वो अब टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं। जमीन कहाँ पर है? मोहम्मदपुर बस्तौर में ही है। थाना मनाढेर। कितनी जमीन है? मेरी जमीन है लगभग 17 बीघे जमीन है। वो अच्छा, 3 खातेदार हैं। वो लोग जो हैं, एक तो तिहार सिंह लेखपाल है तहसील बिलारी और एक जलालुद्दीन प्रधान ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर और एक वो है नईम नानकार से। ये 3-4 जनों ने लोगों ने मिल करके और बैनामा करा लिया है फर्जी। थाने पर शिकायत करने गए थे थानेदार और उल्टा हमारे भाई को फांस रखा है। उसे उठा के ले गई है पुलिस। कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की। अभी इनके पास आए थे? आज मैं इनके पास आया हूँ, कल भी आया था एसएसपी के पास। हाँ, क्या चाहते हो इसमें? मैं ये चाहता हूँ ये बैनामा रद्द हो जाए। कप्तान साहब के पास आया था मैं कल भी, वहाँ पर मैंने तहरीर दे दी है ये। अब देखो क्या कार्रवाई होती है आगे। मुरादाबाद से रहा अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। हिंदू कॉलेज के गेट के बाहर सड़क पर खड़े होकर छात्राओं से उतरवाए बुरखे। 1 जनवरी से बुरखा पहनकर आए छात्राओं को नहीं मिलेगी एंट्री। आपको बता दें, यह पूरा मामला हिंदू पीजी कॉलेज में बुरखा पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। ड्रेस कोड का हवाला देकर कॉलेज प्रशासन ने बुरखा पहनकर पहुंची छात्राओं को एंट्री देने से इनकार कर दिया जिसके बाद कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि बुरखा पहनकर कॉलेज में एंट्री पाना उनका अधिकार है। छात्राओं के प्रोफेसर ने नोकझोंक बुरखा पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने की बात सपा नेताओं पर पहुंच गई। सपा छात्र सभा के अधिकारी भी कॉलेज पहुंच गए। सपा और छात्र सभा के कॉलेज गेट पर हंगामा किया। इस दौरान कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह रावत और चीफ प्रोफेसर एपीसी से सपा छात्र सभा की नोकझोंक हुई। इस दौरान छात्र के कॉलेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ड्रेस कोड के मामले में पूरी शक्ति बरत रहा। मुरादाबाद हिंदू कॉलेज गेट के बाहर सड़क पर खड़े होकर छात्राओं से उतराए गए बुरखे। देखिए, पिछले कुछ समय से हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और कुछ समय से छात्र छात्राओं को एक समस्या आ रही थी। जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो कह रही थी कि हमें जो है कॉलेज में बिना बुरके के बिना नहीं, मतलब अनुमति नहीं मिल रही है और उनका बुरका जो है गेट पर ही उतरवाया जा रहा है। तो हम लोग आज प्रिंसिपल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से, हम लोगों ने जो ज्ञापन के माध्यम से एक मांग उठाई है कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं उनको कॉलेज क्लासरूम तक जो है बुरके में जाने की अनुमति प्रदान की जाए और कॉलेज प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दे दिया है कि बहुत जल्द हम एक अलग से चेंज रूम की स्थापना करेंगे जिसमें लड़कियां जो अपना बुरका चेंज करें। हाँ, कॉलेज के गेट पर जो है लड़कियों के जो है बुरके गेट पर ही उतरवाए जा रहे थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो सभी छात्र छात्राओं ने हमसे कहा कि हमें जो है क्लासरूम तक जो है अगर अनुमति मिल जाती है बुरका पहनने की, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम समाज में थोड़ा सा एक पर्दे का चलन रहता है और जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं
और अभी हिंदू महाविद्यालय में पिछले समय से मुस्लिम बच्चियों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर इस तरह का अगर बुरके पर पाबंदी रहती है तो कहीं ना कहीं हिंदू कॉलेज से जो है बच्चे जो हैं मुस्लिम छात्राएँ जो हैं अपना किनारा करने लगेंगी। तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखते हुए ना कॉलेज प्रशासन को भी चाहिए कि उनकी लड़कियों की जो बुरका वगैरह के लिए एक अलग से चेंज रूम की स्थापना की जाए। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। तोगड़िया के विवादास्पद बोल, कहा कि कुत्तों गधों के राइट्स हैं लेकिन हिंदू का ह्यूमन राइट्स नहीं। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कुत्तों और गधों की भी राइट्स हैं लेकिन हिंदुओं का ह्यूमन राइट्स नहीं। इतना इस्लामीकरण तो मुगल काल में भी नहीं है जितना अब हो रहा। तोगड़िया ने कहा कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो चुकी है। टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी से निकलकर जम्मू तक पहुंच गई है। दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जा रहे, तो उदयपुर में कन्हैया का सिर तन से जुदा करने की बात कही। वो दिन दूर नहीं जब ये टारगेट किलिंग मुरादाबाद तक पहुंच जाएगी। नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही। नुपुर तो बस एक बहाना है। कुछ लोग पूरे देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। चिंतन का विषय है, मैं आपने कहा उस पर चिंतन कर रहा हूँ, समझ में आएंगे तब उत्तर दूंगा। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा हिंदुस्तानी? राम मंदिर बन गया तो भारत में हम जो चाहेंगे वही बनेगा, चाहेंगे वही बनेगा। जो सर ये जो पलायन की बात चल रही है, मेरे बात पलायन नहीं, आज 19 जनवरी 1990 में आज के दिन ही कश्मीर घाटी के हिंदू को पलायन करवाया था। जब ऐलान हुआ था कि हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़कर चले जाओ, यह हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन था, 19 जनवरी 1990। और आज भी वह काला दिन इसलिए है कि 32 साल के बाद भी यहां नरसिंह राव की सरकार गई, अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह की सरकार गई, मेरे बड़े भैया की सरकार है, कश्मीर घाटी में हिंदुओं को अपना घर वापस नहीं दे पाए हैं। मुझे बहुत दर्द है कि यह देश में हिंदू होने के नाते लाखों लोगों को बेघर किया गया है, हम आज तक उनका घर नहीं दे पाए। शर्म आती है मैं बोलने में। ये कॉन्स्पिरेसी तो यहाँ भी छोटे छोटे शहरों में सब जगह चल रही है, है ना? यहाँ मुसाफर खाना पर कोई कब्जा किया था, मकान ये तो राष्ट्रीय बजरंग दल ने खाली करवाया, लोग मदरसे और वो बना लेते हैं, उनको नहीं निकाल पा रहे। आप किस तरह से उनकी मदद करेंगे जो पलायन को रोका जाए? हमने मुसाफर खाना खाली करवाया या नहीं? नहीं सर, अभी कुछ खाली नहीं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ खाली, रोहन जी आंदोलन करो, खाली करवाएंगे। स्टेशन रोड पे दुकानें तोड़ी जा रही हैं और वो सब अपने हिंदू भाइयों के ज्यादातर हैं और इतनी पुरानी बनी हुई है, वो लोग आज जब काम धंधा छोड़ के खुद तोड़ने में लगे, बुलडोजर चल रहा है। तो और मुसाफिर खाने के लिए स्मार्ट बिजनेस नहीं है, स्मार्ट सिटी वहीं से शुरू हुआ, स्टेशन रोड जो की है अदालतपुरा यहाँ पे और काली मंदिर रोड है, हमारा मुक्ति स्थल है वहाँ पर, वहाँ के लिए नहीं कहीं भी ये हुआ कि वहाँ से स्मार्ट सिटी की शुरुआत की जाए। काली मंदिर हमारा तीर्थ स्थान है और पीठ है, शक्ति पीठ है, वहाँ के बच्चे को नहीं स्मार्ट बनाया जा रहा। पर हिंदुओं के रोजगार और पेट पर लात मारकर स्मार्ट सिटी बनाना उचित नहीं, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने का ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप, एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। आपको बता दें, मोहम्मदपुर बस्तोर निवासी मित्र पाल ने मुरादाबाद एसएसपी से शिकायती पत्र देते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान जलालुद्दीन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी तरीके से उसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली और ग्राम प्रधान जलालुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्राम प्रधान जलालुद्दीन ने आरोप को बताया निराधार। जलालुद्दीन ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान इंद्रपाल व भूमाफिया कासिम पर ग्राम समाज की जमीन पर प्लांटिंग कर उसे बेचने की कार्रवाई की गई। मंडल आयुक्त ने शिकायत की थी जिसमें मंडल आयुक्त द्वारा जांच बैठी और लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश कर ली गई।
कार्यवाही के डर से लगातार वे ग्राम प्रधान पर फैसले पर दबाव बना रहे। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान जलालुद्दीन ने इंद्रपाल कासिम से अपनी जान को खतरा भी बताया। बदले की भावना में कासिम पूर्व प्रधान ने अपने चचेरे भाई से उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराने और फैसला करने का दबाव बनाने के लिए यह सब किया। ग्राम प्रधान ने मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों से मांग की है कि भू माफिया कासिम व पूर्व प्रधान इंद्रपाल के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, जो मित्रपाल ने कल आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो 916 घाटा संख्या नंबर पर आरोप लगाया है, जिससे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसमें गवाह हूँ, ना मेरे सामने सौदा हुआ, ना रजिस्ट्री हुई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा मामला ये है कि मैंने ग्राम समाज की 902 नंबर घाटा संख्या का मुद्दा उठाया था, जिसमें भूमाफिया कासिम पूर्व प्रधान इंद्रपाल की मिलीभगत से इस पर प्लाटिंग कर दी गई थी। लेखपाल ने और मैंने जब इसका मुद्दा उठाया और जब जानकारी की, तो इन्होंने हम पे दबाव बनाने के लिए, हम पे आरोप लगाते हुए, ये पूर्व प्रधान इंद्रपाल का तहेरा भाई है मित्रपाल, इसने अपने विकलांग भाई का सहारा लिया हमें बदनाम करने के लिए। जबकि पूरा मामला ये है कि ग्राम समाज पर इन्होंने प्लाटिंग करी है और ये इसमें फंस रहे थे लेखपाल द्वारा और मेरे द्वारा, तो इसलिए लेखपाल का और मेरा आरोप लगाया है इन्होंने, जबकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ज़मीन से। बुर रजिस्ट्रार जाने, रजिस्ट्री जाने, कोर्ट जाने, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि इंद्रपाल पूर्व प्रधान और ये कासिम में जो जमीन घेरी थी, उसमें क्या जाँच चल रही है, क्या अब तक सामने आया? देखिए, उसमें जाँच चल रही है कि वो खाद के गड्ढों में दर्ज है 902 नंबर, और वहाँ के लोग ये बता रहे हैं, हमारे पास साक्षक हैं, स्टाम्प हैं वहाँ के, कि एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए में वो प्लाट कासिम ने पूर्व प्रधान की मिलीभगत से बेच दिए हैं। वो तो क्या लगता है आपको, इसी वजह से वो आपको फंसाने की कोशिश, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और कासिम भूमाफिया आदमी हैं, और अब तो मुझे ये लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है, हो सकता है कि पूर्व प्रधान इंद्रपाल और कासिम भूमाफिया लेखपाल को और मुझे मरवा भी दे, मैं या मेरा एक्सीडेंट करवा दें, मेरे जान को भी खतरा है मुझे। क्या चाहते हैं आप शासन पर? मैं कप्तान साहब से मिलूंगा इस संबंध में, और मैं उन्हें लेटर रट दूंगा कि मेरी जान को खतरा है भूमाफिया कासिम से, और वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र इसलिए रचवा रहे हैं कि मैंने उन्हें जो है ग्राम समाज की जमीन निकाली। आपने संबंध में मंडल आयुक्त मुरादाबाद से शिकायत की थी? 1 दिसंबर को मैंने शिकायत करी थी, उसी मेरे प्रार्थना पत्र पर ये जांच बैठी थी, और इस जांच में ये दोषी पाए गए हैं। ये दोषी पाने के कारण ये मुझसे बदला लेने की भावना में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने मंडल आयुक्त साहब को 1 दिसंबर को एक लेटर दिया था कि 902 जो खाद के गड्ढों हैं इस पर, उस पर जो है कुछ लोगों ने प्लाटिंग करके मकान बनवा दिए हैं ये जी। और कुछ पे जो है चार दीवारी है, कुछ पे बुनियादें भरवा दी हैं, तो सब लोगों को कब्जे हैं, ये जमीन बेच दी गई है। अच्छा, तो ये जो जमीन बेची है ये कैसी जमीन है? ये ग्राम समाज की जमीन है, इसका नंबर घाटा संख्या 902 है, और ये खाद के गड्ढों में दर्ज है। ये रकबा जो है लगभग 2 बीघे के आसपास है। तो आज आपने यहाँ नपाई? मैंने हल्का लेखपाल को बुलवा के हाँ इसकी पैमाइश कराई है। पैमाइश में ये पाया गया है कि यहाँ पर जो है जिन लोगों ने प्लाटिंग करी है उनको 100 रुपए के स्टाम्प पर मालिकाना हक देकर उनको जो है यहाँ पर कब्जा करा दिया गया है। क्या नाम है जी? ये यहाँ के लोग तो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ के हमारे मोहम्मदपुर बस्तौर के कासिम हैं, उन्होंने ये प्लाटिंग करी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो बने हुए हैं बाउंड्री है या मकान है ग्राम समाज की जगह पर बने, वो अवैध हैं पूरी तरह से? वो पूरी तरह से अवैध हैं। 902 नंबर क्योंकि ये ग्राम समाज का नंबर है, ये खाद के गड्ढों में दर्ज है जी। और ये जांच में अभी ये जांच में पाया गया है। कितना समय हो गया ये जो है मेरे नॉलेज में? तो ये अभी जब शौचालय पे मैं प्रधान बना, जब शौचालय पे ना देखा यार, यहाँ पर मैंने पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करी तो यहाँ पर लोगों के मकान बने हुए थे, मैंने फिर हल्का लेखपाल को बुलाकर इसकी जांच कराई कि ये शौचालय कितनी ज़मीन में बना हुआ है। तो जब ज़मीन देखी गई तो ये 2 बीघा ज़मीन मिली यहाँ पर, और 2 बीघे मौके पर है नहीं। तो अब मैंने इसकी जो है फिर शिकायत मंडल आयुक्त महोदय से करी थी, तो मेरा जो है लेटर पर जांच आई हुई है। जांच में जो है हल्का लेखपाल ने जब जांच करी है तो बताया गया है कि इस पर जो है प्लाटिंग है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के मकान बना दिए गए हैं, और इस पर जो है लोगों का कब्जा है। पहले कौन प्रधान था? पहले पूर्व प्रधान इंद्रपाल सिंह बस्तौर के ही थे वो जी। तो अब इसमें क्या कार्रवाई अब आप सोच रहे हैं कि होनी? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि जो है इसको कब्जा मुक्त किया जाए और दोषियों को जो है कार्रवाई की जाए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं। कासिम ने तेजपाल नाम की जमीन ली थी, उसमें प्लॉटिंग करी थी, उस लोगों ने उसे पैसे देकर स्टाम्प कराया था, उस पर मेरी मोहर लगी हुई है। अच्छा। बाकी कासिम ने प्लॉटिंग करी है भोजन ने, उसके खानदान, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। अच्छा। आप जिन्होंने लिया उनसे पूछ लो, गांव के लोगों से पूछ लो,
जिन्होंने प्लॉटिंग के पट्टे लिए हैं उनसे पूछ लो मेरा उसमें करो। कितने समय पहले प्लॉटिंग की? ये 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, तो जिस वक्त में ये प्लॉटिंग हो रही थी उस वक्त में ये जानकारी नहीं थी कि ये जगह ग्राम समाज की? नहीं, उस समय ये जानकारी थी। लेखपाल से कपूर अहमद वो थे, लेखपाल उनसे पूछा था कि नहर की नदियाँ तो रास्ते में छोड़ देता, उस समय से कोई बात नहीं थी। तो ये किसका है सारा जो ये काम किया है? सारा काम जो कासिम का है, कासिम ने ही करा है। मेरे को तो अब क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? अगर कोई अब जो सच्चाई है वो आदमी आनी चाहिए। कासिम के लिए कोई भी हो या मैं हूँ कुछ भी। लोगों ने जमीन किससे ली थी? ये ली थी कासिम से। कितना समय पहले ली थी? 4 साल पहले। अच्छा, कासिम को पैसे दिए थे? हाँ। कितनी जगह है लगभग जो यहाँ उन्होंने बेची है? ये है 4.5 बीघे। अच्छा। मुरादाबाद से रहानंद सारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।